हेलो प्यारे बच्चों। तो यार काफी सारे बच्चों के क्वेश्चन आ रहे थे रिगार्डिंग द BBAU, ठीक है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की। भैया क्या सारा सीन है, एडमिशन का कितना कट ऑफ रहने वाला है, हमारा एडमिशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो IIT के लेवल का है गाइस, ठीक है। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हो, जस्ट लाइक यहाँ का चाहे वो स्टेडियम हो, चाहे यहाँ का कल्चर हो, चाहे यहाँ की फैसिलिटीज हो, एकदम रियली ऑसम है यार, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के टक्कर का है, टॉप कॉलेजों के टक्कर का है वैसे। हालांकि यूनिवर्सिटी के अंदर काफी सारी वैकेंट सीट रही है फर्स्ट राउंड के बाद में, तो आज अपन देखने वाले हैं कितनी सारी सीटें वैकेंट हैं। तो जो सेकंड जो शॉर्ट लिस्ट जो कैंडिडेट होंगे उनकी जो लिस्टें हैं वो 21 अक्टूबर को रिलीज करेगा, और जो आपको लास्ट डेट रहेगा पेमेंट का वो रहेगा 26 अक्टूबर। ओके, तो आप अपन कुछ कोर्सेज देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ कोर्सेज दिए गए हैं जैसे कि BA होनर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे टोटल सीट है 26, अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल में 12 है, SC में 10 है, ST में 3 है, EWS के अंदर 1 है, राइट। तो 1 और 3 चार, 4 और 10 14, 14 और 12 26, ठीक है। यहाँ पे भी अलग अलग प्रकार से देख सकते हो, सीटें भी काफी ज्यादा वैकेंट लग रही है मुझे। प्यारे बच्चों ये कुछ डिटेल दी गई है इनकी तरफ से, ठीक है। ये कुछ कॉलेजेज है, सैटेलाइट सेंटर अमेठी फार्मेसी है। डिटेल ऑफ एडमिशन प्रोसेस कैन बी एक्सेस थ्रू दिस पोर्टल। आपकी जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो जल्द ही 21 अक्टूबर को आ रही है। हालांकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके काफी लो मार्क्स हैं, तो उनको मैं पहले भी कह चुका हूँ हमारा CUET गाइडेंस प्लान ज्वाइन कर लो, टिल लास्ट राउंड तक, स्पोर्ट राउंड तक आपका किसी ना किसी अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजों में करा दिया जाएगा, ठीक है। तो और अगर जिनको नहीं ज्वाइन करना है वो हमारे फिर से प्लान ज्वाइन कर सकता है CUET प्रिपरेशन का, तो उसकी भी हम प्रिपरेशन करा सकते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हो UG कोर्स PG कोर्स के लिए सारी की सारी अपडेट यहाँ पे दी गई है। ओके, अब यार जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूँ, जैसे फर्स्ट राउंड जैसे कंप्लीट हो चुका है, और यार फर्स्ट राउंड के अंदर जो है काफी सारी सीटें खाली रही है। अब जैसे सेकेंड राउंड होगा, सेकेंड में भी सीटें खाली होगी, फिर थर्ड राउंड होता है, फिर यूनिवर्सिटी वाले यार परेशान हो जाते हैं भैया ऐसे कितने राउंड निकाले, ऐसे तो हर राउंड के अंदर सीटें खाली रहेगी। तो वो जो है ऑन स्पॉट एडमिशन स्टार्ट कर देते हैं। अब बहुत सारे बच्चे इनको ईमेल डालने लगते हैं कि सर हमारे एडमिशन हमारे मार्क्स काफी ज्यादा है, आपका जो टॉपर है उससे भी ज्यादा मेरे मार्क्स है, और जस्ट लाइक जो मैंने अप्लाई करना भूल गया मैं। तो उन सभी बच्चों के लिए ना ये कॉलेज वाले क्या करते हैं, वो फिजिकल काउंसलिंग या फिर ऑन स्पॉट ओपन काउंसलिंग अप्लीकेबल करते हैं। उसका मतलब ये होता है कि जिन बच्चों ने अप्लाई नहीं किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ऑन स्पॉट या ओपन काउंसलिंग। तो जिन बच्चों ने रजिस्टर नहीं किया तो उनका भी एडमिशन हो जाता है। वहां पे जनरली जो है कैटेगरी का महत्व नहीं मिलता, सभी को जनरल कंसिडर करके सीटें दी जाती है, और जो सीटें होती है SC ST PWD OBC जो भी है वो सारी की सारी को जनरल बना दिया जाता है। तो इस बेसिस पे जो है एडमिशन कंडक्ट किया जाता है सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में। जो भी बच्चे हैं यार जिनको एडमिशन में जस्ट लाइक लोअर मार्क्स है, वो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकता है, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है। और भी बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ पे आपके काफी लो मार्क्स पर भी एडमिशन हो जाते हैं, तो उनके लिए भी आप हमारा CUET गाइडेंस प्लान भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली 1499 रुपये में आपका कंप्लीट एडमिशन करा दिया जाता है गाइस, ठीक है। थैंक यू सो मच।